तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में मुजफ्फरनगर में रविवार यानी कि 5 सितंबर को किसानों की महापंचायत होने वाली है। सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक की इस पर नज़र है। यही वजह है कि प्रशासन ने महापंचायत से पहले निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने 1000 से अधिक कर्मियों वाली पीएससी की 8 कंपनियों और इसके अलावा मेरठ क्षेत्र के सभी जिलों में लगभग 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जिस जगह महापंचायत हो रही है उसके अलावा शहर के अन्य इलाकों में भी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने कहा, मुजफ्फरनगर के अलावा सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, शामली और बागपत जिले के करीब 1000 पुलिसकर्मी 5 सितंबर को कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले राजमार्गों और लिंक रोड पर तैनात होंगे। उन्होंने कहा कि महापंचायत के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए डिजिटल कैमरे से लेंस विशेष ड्रोन पर सेकंड की घटना की लाइव तस्वीरें भेजेंगे। सुरक्षा के लिहाजा से मुजफ्फरनगर के सभी चौराहे पर CCTV लगाए जाएंगे। भारतीय किसान संघ द्वारा आहूत और केंद्र के नए कृषि कानूनों की मुखावलत कर रहे कई संगठनों द्वारा समर्थित किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित की जाएंगी। आयोजकों ने दावा किया है कि यह महापंचायत एक स्थान पर किसानों की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, जहां वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल मॉडल को पुनर्जीवित करने की रणनीति तैयार करेंगे। भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार उन 3 कठोर कृषि कानूनों के बारे में हमारी शिकायतें सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो किसानों के लिए मौत की घंटी बजाने को तैयार है और केवल कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। किसानों के लिए मुजफ्फरनगर से भाजपा को उखाड़ फेंकने का अभियान शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि यही से भाजपा ने अपनी राजनीतिक फसल काटी और केंद्र एवं राज्य के सांप्रदायिकता के बीज बोकर सत्ता हासिल की थी। सभी स्थानीय खापों और किसान संघों के अलावा सभी गैर भाजपा दलों ने महापंचायत को अपना समर्थन दिया है। राष्ट्रीय लोक दल ने दावा किया है कि वह 4 से 5 सितंबर तक मुजफ्फरनगर में कम से कम 10,000 किसानों के ठहरने की व्यवस्था करेगा। बीजेपी को हराने का प्लान, और ऐसे ही पश्चिमी बंगाल में भी SKM का फैसला था कि बीजेपी को जरूर हराना है, लेकिन पंजाब के लिए ऐसा फैसला नहीं अभी SKM ने लिया है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का राज है और वहां पे संयुक्त मोर्चे की तरफ से अभी कोई फैसला इस तरह का नहीं लिया गया है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जरूर वहां पे फैसला लिया है कि मिशन पंजाब चलाना चाहिए, उसके तहत हमने वहां पे काम भी करना शुरू कर दिया है।